हाय देयर, परसों के दिन 23rd ऑफ दिस मंथ अगस्त आई वाज एट द हॉस्पिटल. यू नो दिस वाज माय फर्स्ट फॉलोअप आफ्टर सर्जरी, आफ्टर माय बाईपास सर्जरी. एक महीने के बाद वो डॉक्टर बुलाते हैं, कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, मतलब कुछ चेक्स होते हैं जैसे एक्सरे, ईसीजी वगैरह, लिपिड टेस्ट के बाद में वो रिपोर्ट्स देखते हैं. सो जस्ट टू कीप इन्फॉर्म, यू नो एवरीथिंग इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एवरीथिंग इज नॉर्मल, फिट एंड फाइन. तो खैर मैं मेरी वाइफ के साथ में हॉस्पिटल में कुछ 3-3.5 घंटे था, राइट. तो डॉक्टर्स को मिला, उसके बाद में फिर उन्होंने फिटनेस, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी वो देना चाह रहे थे, वो भी कलेक्ट कर रहे थे. फिर मुझे कुछ नर्सों से भी मिलना था जस्ट टू एक्सटेंड माई ग्रैटिट्यूड वगैरह वगैरह. तो मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो माई वाइफ वॉज इनसाइड टू कलेक्ट सर्टन डॉक्यूमेंट. मेरे बगल में एक लेडी बैठी हुई, एंड दैट लेडी वॉज लुकिंग लिटिल बिट, नो लिटिल डिसअपॉइंट, लिटिल सैड बेसिकली. तो उन्होंने मुझे पूछा कि सर आप सर्जरी की बात कर रहे थे तो आपके घर में किसी की सर्जरी हुई है क्या? मैंने कहा मैडम मेरी सर्जरी हुई है. तो वो एकदम हैरान हो गई, कहती सर आपकी सर्जरी कब हुई? मैंने कहा एक महीना पहले. तो शी वॉज यू नो मोर सरप्राइज, कि सर एक महीना पहले आपकी सर्जरी हुई है और आप अच्छे से चल फिर रहे हैं, फर्स्ट क्लास भागा दौड़ी कर रहे हैं और लग ही नहीं रहा कि आपकी सर्जरी हुई है. मैंने कहा मैम बात मेरी नहीं है, हर कोई एक महीने के अंदर में तो मेरे जैसा हो ही जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑल द एज ग्रुप्स, तो कोई चिंता वाली बात नहीं. सो द पॉइंट इज नाउ, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई और उन्होंने कहा कि सर आज 3 बजे मेरे पिताजी की सर्जरी है. तो हम बड़े डरे हुए हैं, सब परिवार आया हुआ है और अब क्या होगा, कैसे होगा, तो काफ़ी डरे हुए हैं, लेकिन आपको देख कर थोड़ा ठीक लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, और खुशी हो रही कि सब ठीक ही होगा. मैंने कहा मैम सब ठीक ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं है. हमें डर लगता है क्योंकि क्या है, हार्ट सर्जरी की बात करते हैं तो पुराने फिल्में याद आते हैं, वो बड़ा चढ़ा के बता देगी पता नहीं क्या होगा. और अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, हर चीज़ इतनी डेवलप हो गई है, आज हम 2021 में बैठे हुए हैं, मॉडर्न एरा है. यहाँ तक कि स्टिचेस भी जो पहले लगते थे वो बड़े भद्दे से दिखते थे, लेकिन आजकल स्टिचेस भी ऐसे लगते हैं जैसे कि प्यारा सा टैटू एक लाइन है, भर जाते हैं, राइट. अंदर की जो हड्डियाँ जुड़ने में टाइम लगता है, बट एवरीथिंग गेट्स नॉर्मल वेरी सून, तो कोई डरने वाली बात नहीं है. तो फिर उन्होंने पूछा कि सर आपका एक्सपीरियंस बताइए प्लीज़. फिर उन्होंने मेरा नंबर भी लिया एक्चुअली, तो आपका एक्सपीरियंस बताइए. तो मैंने उसको 2-3 बातें बताई. सो कीपिंग दैट इन माइंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आई स्ट्रांगली फील यू नो इफ माई एक्सपीरियंस, पीपल डू आस्क मी नाउ यू नो इफ देर इफ समबडी फ्रॉम देयर फैमिली इज यू नो अबाउट टू गो थ्रू दिस सर्जरी, बाईपास सर्जरी, तो पूछते हैं कि सर आपका एक्सपीरियंस क्या, सर आप बताइए. एंड इज यू नो माई नेचर, यू नो आई वुड लाइक टू एनकरेज पीपल फॉर द गुडनेस, कोई डरने वाली बात नहीं. सो आई एम नॉट मेडिकल एक्सपर्ट कि मैं मेडिकली बताऊँ कि आपको वेदर यू शुड गो फॉर CABG और नॉट या क्या होता है, नहीं वो तो कोई गुंजाइश ही नहीं है. वैसे ही मैं किसी को बताता नहीं हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताता हूँ, और मेरे एक्सपीरियंस से अगर आपको मदद होती है, किसी को मदद होती है, तो क्या बात है. सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई हैव मेड एन एक्रोनिम कॉल कॉमेट, कॉमेट या COMET, वो जो धूमकेतु होते हैं ना, वो सिमिलर टू लाइक शूटिंग स्टार्स, जिसको देख के हम विश करते हैं कि हमारे सपने पूरे हो जाए वैसे, तो ऐसे ही समझो. और जब आप किसी भी कन्फ्यूजन से या किसी भी डर से जा रहे हो जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बस आँखें बंद कर लो एंड चूज लाइफ. ओके, सो बिफोर गेटिंग इन द एक्रोडिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि कल भी वो मैडम का मुझे फ़ोन आया था, कहते कि सर सर्जरी हो गई है, ऑल इज़ गुड, पापा को होश आ गया वगैरह वगैरह, लेकिन पापा काफ़ी डरे हुए, तो क्या होगा क्या नहीं, और कह रहे कि दर्द हो रहा. मैंने कहा मैम मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जब सर्जरी होती है उसके जब होश आता है तो उस दिन पहली चीज़ ये होती है कि काफ़ी दर्द होता है, 2-3 दिन दर्द रहा, बाकी पेन किलर्स लगे होते. तो उसने कहा ठीक. तो मैंने कहा अभी कुछ भी रहा तो डेफिनेटली यू लेट मी नो. वैसे डॉक्टर्स वहाँ पे है, नर्सेस वहाँ पे, सारी टीम बहुत प्यारी है, दिस हॉस्पिटल इज़ रियली ग्रेट फोर्टिस मोहाली, एंड कोई डरने वाली बात नहीं. तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं जानना चाह रही थी कि भाई आपको भी दर्द हुआ था. मैंने कहा हुआ था, सबको होता है. उन्होंने कहा कि अंकल को समझा दो कि ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव उन्होंने देखे, अपने बेटी को बेटों को इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तो ये वो उतार चढ़ाव के सामने उनके ये क्या है, कुछ भी नहीं, तो वो हंसने लगी. देखा जाने कॉमेट. तो पहली चीज़ जैसे वो लेडी मुझे बार बार पूछ रही थी, तो सी स्टैंड्स फॉर चैलेंजेस. अब चैलेंजेस क्या होते हैं, अब बिफोर सर्जरी के सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, वंस यू टेक डिसीजन, तो जो एक दिन होता है वो स्वाभाविक है, डर लगता है, मुझे भी डर लगता था. तो वो ये है कि यार क्या होगा, हम तो अगर हम रहे ना रहे, लेकिन परिवार का क्या होगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है.
आप जिसको भी मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, जहाँ आपकी श्रद्धा है, उसको एक बार रिविजिट कर लो आप। हो सकता है गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, जो भी हो, गुरबानी हो, तो देख लो हर किसी ने यही लिखा हुआ है कि यार आप क्या लाए थे और क्या लेके जाओगे। मृत्यु तो मिथ्या है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो काफ़ी डीप है, तो मुझे भी डर लगा था, तो मैंने उसके ऊपर काफ़ी मेडिटेशन किया, मंथन किया, एंड फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आपका डर चला जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। एंड यू ऑलवेज हैव अ चॉइस कि अभी आगे करना क्या। सो वो वाली बात है। सो द सी स्टैंड्स फॉर चैलेंजेस, एंड द फर्स्ट चैलेंजेस एज आई टोल्ड यू बिफोर सर्जरी, दैट फियर, ओवरकम दैट फियर। एंड आफ्टर सर्जरी आपको होश आता है, तो वो जो चैलेंज होता है आपके हार्ट का, तो कोई मसला नहीं होता है, हार्ट बीट वो सब मेडिकेशन वो सब चालू रहता है, अंदर की चीज़ें तो जुड़ जाती है। बट जो स्टर्नम है, जो हड्डियाँ काटी, उसमें काफ़ी पेन होता है। हालांकि आपको पेन किलर्स लगे रहते हैं, पेन किलर्स जाते हैं 3-4 दिन, लेकिन 2-3 दिन काफ़ी दर्द होता है। मुझे भी काफ़ी दर्द हुआ था, और मेरी बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, तो काटने के बाद उसको हील होने में टाइम लगता है। वैसे स्टर्नम को पूरे तरीके से हील होने के लिए 2-3 महीने तो लगते हैं, बट मैं इनिशियल टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, जो आपको संभालना है, उस पेन से गुजरना है, वो 2-3 दिन का, उसके बाद में सब धीरे धीरे ठीक होने लगा। दिस इज द फर्स्ट चैलेंज। सेकेंड चैलेंज इज बेसिकली आपको लगभग 1 महीना जो है ना, वो पीठ के बल सोना है आपको, ये आप करवट नहीं ले सकते, लेना भी तो थोड़ा सा स्लाइंट लेके फिर पीछे से आपको सपोर्ट लेना पड़ता है, पिलो का, तकिया का, एक वो है, फिर धीरे धीरे। तो ये एक दूसरा चैलेंज होता है, क्योंकि आदत होती है यार, आप साइड में सोते हो या आप उल्टे सोते हो, जैसे भी मैं सोता था, तो वो एक दूसरा चैलेंज ये है। अब तीसरा चैलेंज पता है क्या होता है, जब आपको डिस्चार्ज मिलता है या वहाँ पे भी आप स्पेशली डिस्चार्ज मिलता है, क्योंकि जब वहाँ जब 8 दिन रहते हो तब तो फ़ोन तो अलाउड नहीं होता, लेकिन जब आप घर आते हो, डिस्चार्ज होता है, तो आप अकेले होते हो, आपके पास टाइम ही टाइम होता है, तो आप गूगल में बहुत सी चीज़ें डालते हो कि यार बाईपास चली गया, आपने क्या हो, क्या रिस्क से वगैरह। तो भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे एक्सपीरियंस से, यार इतनी डरावनी चीज़ें लिखी होती है गूगल में, और इतनी जनरलाइज चीज़ें होती है, और इतनी पुरानी बेतुकी चीज़ें होती है। सो माई सिंसियर रिक्वेस्ट वुड बी कि नो सर्च ऑन गूगल एनीथिंग अबाउट दिस, यू नो बाईपास सर्जरी की, अभी करना क्या क्या नहीं। आप डॉक्टर से बात कीजिए, डिस्चार्ज होने के बाद में डॉक्टर्स बाकायदा आपको नंबर्स देते हैं, वो हॉस्पिटल आपके टच में होता है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डर लग रहा है या कुछ ऊपर नीचे है, आप डॉक्टर से बात करो, बी स्पेसिफिक। लेकिन गूगल बाबा को आप साइड में रख दो, बहुत डरावनी चीज़ें होती है उसमें, जाने ही नहीं, क्योंकि खाली कहते हैं ना, खाली खोपड़ी वो शैतान का घर, तो वो है। तो ये एक चैलेंज होता है, क्योंकि आप खाली हो तो काफ़ी विचार आते हैं, आपकी एनर्जीज बहुत लो है, यू नो वीकनेस काफ़ी रहती है, क्योंकि आपका नया वेसल होता है, हार्ट होता है, हार्ट बीट टू सेटल होने में, या अब आई डोंट गेट इन मेडिकल रीजंस, यू नो। तो कुल मिला के ये होता है, क्योंकि वीकनेस आपकी काफ़ी होती है, आपको चलना भी बड़ा धीरे धीरे होता है, या किसी का सपोर्ट लेके। हालांकि एक हैंडबुक मिलती है आफ्टर सर्जरी, एक मेडिकल सर्जरी की हैंडबुक मिलती है, उसमें सब कुछ लिखा होता है। तो पहले 10 मिनट चलना है कुछ दिन तक, उसके बाद में फिर जो आप 5वें 6वें वीक में जाते हो, तो फिर 40-45 मिनट तक भी वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली यू कैन वॉक। फिजियोथेरेपिस्ट कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस बताते हैं, क्या वो आपको करना है, तो ये एक्सरसाइजेस कुछ बताते हैं, नो फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, कुछ हैंड रेज की एक्सरसाइजेस है, हल्की फुल्की लेग रेज की एक्सरसाइजेस है, बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। कुल मिला के बार बार मैं कह रहा हूँ, हमारे स्टर्नम को, हमारे रिब केज को, ये टांके आपके तो 15 दिन में, मतलब 8-10 दिन में ही, लेकिन 15 दिन में बहुत अच्छे से हील होते हैं। आपकी ड्रेसिंग होती है, तो किसी प्रोफेशनल नर्स से आप ड्रेसिंग कराइए, जब आप डिस्चार्ज होता था 8-10 दिन आपकी होती है, तो यहाँ की आपकी जो टांके हैं, जो स्टिचेस है, इसका ध्यान रखो, आप जुड़ जाते हैं या जल्दी से, और आपके टांग में भी होते हैं, क्योंकि वहाँ से जो नस निकाली होती है, राइट, तो वो भी होता है, वहाँ की भी ड्रेसिंग होती है, और आपके साइड्स में भी होता है, क्योंकि वहाँ पर आपके ड्रेन्स लगे रहते हैं, तो ये 2-3 जगह की जो ड्रेसिंग होती है। तो चैलेंज कुछ नहीं, बस उसको हील होने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, और नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। देखो, आपकी वीकनेस है, एनर्जी लेवल बहुत लो है, तो लो एनर्जी लेवल में विचार भी बहुत ही लो आते हैं, बड़े सैड आते हैं, हटा यार, हटा सावन की कथा, क्या सैडनेस है। तो चूज़ नो योर ओन वे लाइफ स्टाइल। मैं 8-10 दिन के अंदर ही मेरे को वाइफ ने बोला कि आप जो टिकटॉक में वीडियोज़ बनाते थे, जो आपको अच्छा लगता था, म्यूजिकल वीडियोज है, बनाओ। तो मैं वो बनाता था, हालांकि 20-30 सेकंड का ही होता है, तो मैं ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता था, मेरा तो क्या है, विजुलाइज करता था मैं कि मूवमेंट क्या करना है, डांस स्टेप क्या होगा, हल्का फुल्का, और बस एक ही रेट में मैं कर रहा था, तो ज़्यादा थकावट की कोई बात नहीं होती थी, बस 20-30 सेकंड, और दिन में कभी ज़्यादा बना लेता था, तो वॉक होती थी,
या मूवीज मूवीज देखने का काफ़ी टाइम मिलेगा, वेब सीरीज देखने का काफ़ी टाइम मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप वेब सीरीज ऐसे देखो जो हल्के फुल्के हो, क्योंकि उस कुल मिला के अपने माइंड को अपने को हैप्पी रखने का है, राइट। बहुत ही सैडिस्ट ड्रामे वाले वायलेंट ऐसे देखे कोई मतलब नहीं है, अपने अपने तरीके हैं। जैसे मैं पीके देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो लगान देख रहा था। इंग्लिश मूवीज़ में देखो तो मैं फिर जैसे अवतार हो गई, हल्की फुल्की मूवीज़ देखता था जहाँ पे नेचर हो गया, सम इंकरेजमेंट है। तो अपने हिसाब से देखो आप क्या करना, बहुत टाइम मिलेगा तो सीख चैलेंजेस के बाद में ये अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है आपको, इतना टाइम था लाइफ में कभी नहीं मिली, तो उसको यूटिलाइज़ करो सही तरीके से। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, कोई PhD कर रहा है, MA इज़ बेसिकली द मेडिसिन, मेडिकेशन, तो मेडिसिन रेगुलरली लेंगे यार, उसे स्किप नहीं करना है। ई इज़ बेसिकली यू नो दैट एंगेजमेंट, पॉजिटिव एंगेजमेंट, एक्सरसाइजिंग जो मैंने आपको बताई, जो फिजियोथेरेपिस्ट ने बताई वो। और टी इज़ बेसिकली यू नो बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल टूवर्ड्स लाइफ। अब यहाँ से सब अच्छा ही होगा, आपको नया वेसल मिला है, नया हार्ट मिला, सो बी पॉजिटिव, बाकी उसकी मर्ज़ी, लेकिन तुम डालना जरूर जिंदगी की अर्जी। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इन लास्ट 10-11 मिनट्स, यू नो इफ यू आस्क मी माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस बाईपास सर्जरी इज नाउ इट हैज़ बिकम अ रूटीन सर्जरी, यू नो एंड इफ यू गेट इन टू द बेस्ट हॉस्पिटल, थिंग्स आर वेल टेकन केयर, इफ इट ऑल गेट कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ सर्टन नर्वसनेस, सर्टन फियर, सो आई वुड से यू नो go for it. I mean, you need to know your medical conditions, you know, take second, third opinion and all those things. So, no, in fact, we also took 2 days to decide whether we should go for it or not. But if option given, you know, ki stunt ya phir bypass, or so I would go for bypass, kyunki agar mere do arteries agar block, so doctors, they were saying ki ek artery to aisi hai ki aapki, matlab, usme stunt lagi nahi sakta, तो उससे अच्छा है कि गो फॉर बाईपास, सो बाईपास बिकॉज यू नो सर्जरी योर डिजीज इज रिमूव्ड। अगर स्टंट में जाते हो तो दैन यू बिकम यू नो हार्ट पेशेंट विद काफ़ी लिमिटेशंस हो जाती है। सो इन माई केस पर्सनली आई वेंट फॉर दैट, यू हैव टू टेक योर कॉल यू नो इफ यू कम क्रॉस एनीवन इन फैमिली। दूसरी एक चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, देर वॉज वन लेडी इन लेट 50s अर्ली 60s, यू नो उनका मेरे साथ ही बाईपास हुआ था और लगभग एक ही साथ हम लोगों का डिस्चार्ज भी हुआ था। तो सिंस आई एम इन टच विद फ्यू नर्सेस ओवर देयर, उनके साथ मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर याद है वो लेडी जो आपके मतलब वार्ड में ही थी डिस्चार्ज के पर, मैंने कहा हाँ, सो आई डोंट वांट टू नेम हर, तो एक्चुअली शी ट्रैवल फ्रॉम चंडीगढ़ टू जम्मू इन ए कार। तो द पॉइंट इज यू नो शी वॉज पुट बैक टू द ICU क्योंकि उनके स्टिचेस निकल गए थे। सो द पॉइंट इज यू नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, कभी यार ट्रैवलिंग नहीं करनी है, स्पीक विथ योर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स अलाउ करते हैं तो ही करनी है और काफ़ी प्रिकॉशंस के साथ करनी है, प्लेन में करनी। अब वो जम्मू एरिया में जा रहे हो, ये तो काफ़ी यू नो अल्टीट्यूड्स है, ऊपर नीचे है, कार पता नहीं कैसी है, रोड्स कैसे है, तो डोंट इन्वाइट प्रॉब्लम्स फॉर योर सेल्फ। इनफैक्ट घर में भी आपको फुल रेस्ट करना है, एक सवा महीना तो पूरा रेस्ट है। और एक और चीज़ मैं बताऊँगा कि मैं बताना भूल गया पहले, जो चेयर है ये बेल्ट है, ये चेस्ट बेल्ट है जो आपको लगाना पड़ता है ना, ये ऐसे आपको लगाना पड़ता है चेस्ट बेल्ट, ये चेस्ट बेल्ट जरूर लगाइए आप जब भी आप उठना बैठना। बेसिकली क्या है ना कि आपके